हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको एक्स थ्री और पोको एक्स थ्री प्रो के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपने मेरे पास पोको एक्स थ्री या तो पोको एक्स थ्री प्रो भेजा था और वो बना नहीं, आपने मदरबोर्ड का लिए बोला था और अरेंज नहीं हो पा रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि दोस्तों मैं आज उसी के ऊपर बोलने वाला हूँ। बहुत लोगों ने मदरबोर्ड के लिए पैसा भी भेजा है, बहुत लोग मोबाइल भी भेजा है, तो किसी किसी का थोड़ा देर हो गया है, मतलब मदरबोर्ड उसके पास नहीं पहुंच पाया है, और किसी किसी ने जो रिपेयरिंग के लिए भेजा है ऑलरेडी दो तीन जगह दिखाया है, इसीलिए उसमें थोड़ा दिक्कतें हो रहा है। तो आज सभी के बारे में डिटेल्सली खोल के बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी फ्रेश मोबाइल है, पोको एक्स थ्री, पोको एक्स थ्री प्रो, तो आप हमारे पास भेज के रिपेयर तो करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। आता है, एक दिन में रिपेयर हो जाता है, उसके बाद दिन ही, जैसे प्राइस से आप पेमेंट करते हो उसके बाद दिन ही रिटर्न चला जाता है। लेकिन जिन लोगों का मोबाइल में मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है, या तो उस मोबाइल का मदरबोर्ड नहीं हो रहा है, रिपेयर नहीं हो रहा है, और वो लोग मदरबोर्ड के लिए ऑर्डर किया है, तो उस टाइम में हो सके थोड़ा बहुत लेट हो जाए, कभी कभार लेट हो भी जाता है, किसी किसी को 10-15 दिन भी लग जाता है, क्योंकि मदरबोर्ड हमारे पास एनी टाइम अवेलेबल नहीं रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। अगर ख़त्म हो चुका होता है तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आपने पैसा भेजा है या तो मोबाइल भेजा है, तो आपका मोबाइल कहीं जाएगा नहीं और आपका पैसा भी कहीं जाएगा नहीं। मैं किसी से एक रुपया लूँगा नहीं कि किसी को एक रुपया मेरा पैसा मैं दूँगा नहीं, मेरा एक ही उसूल है। तो आपको एक ही चीज़ बताऊँगा, थोड़ा धैर्य रखो। आपका मोबाइल अगर मेरे पास है, बहुत सारा मोबाइल मेरे पास है, अभी 7-8 मोबाइल मेरे पास है जिन लोग का मोबाइल नहीं हो रहा है, और एक दो आदमी भी पैसा भी भेजा है रिपेयर के लिए, मतलब मदरबोर्ड के लिए, उन लोग का मदरबोर्ड अभी रेडी नहीं हुआ है, तो मेरे पास मदरबोर्ड है नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो मैंने ऑलरेडी थोड़ा मंगाया भी है, वो आ जाएगा एक दो दिन के अंदर। उसके बाद में जिसका जिसका मोबाइल है मैं उसके पास भेज दूँगा। दूसरा चीज़ है, मेरा फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा देर हो रहा है। तो आपको इतना मैं बता सकता हूँ कि आप जो है ऐसा मत सोचो कि मैंने पैसा भेज दिया या तो मैंने मोबाइल भेज दिया, मेरा मोबाइल भी चला गया, पैसा भी चला गया, ऐसा नहीं होता है भाई। मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक दुकानी भी हूँ, आपका पैसा, आपका ट्रस्ट कभी तोड़ने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा। आप आराम से, बिना झिझक आप आराम से रहिए, मैं आपका मोबाइल आपके पास 100% भेज दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और अगर आप अपना मोबाइल फ्रेश मोबाइल है तो बिना झिझक, कोई झिझकने की ज़रूरत नहीं है, भेज दो आराम से, आपका मोबाइल एक ही दिन में रेडी हो जाता है। फ्रेश मोबाइल होने से तो कोई दिक्कत नहीं होता है, एक ही दिन में रेडी हो जाता है, जैसे ही प्राइस से पेमेंट करोगे ऐसे ही आपका मोबाइल मैं कोरियर कर देता हूँ। 300-400 से ज़्यादा मोबाइल बना चुका हूँ, 1-2 हज़ार 3 हज़ार रुपया लेके मैं कोई करोड़पति नहीं बन जाऊँगा, तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिए। बहुत लोग इधर उधर की कमेंट करता है, मैं सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, तब आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।